वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। बजट की छपाई से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा निभाई गई। 26 जनवरी को हलवा सेरेमनी मनाई गई। इस दौरान वित्त मंत्री समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। इस सेरेमनी के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वित्त मंत्री बेहद खुश नजर आ रही हैं, जिस पर लोग अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने इस तस्वीर के साथ तंज भरा कॉमेंट किया। यूजर ने लिखा, हलवा सेरेमनी मनाते हुए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, मैंने तो बना दिया, अब चाहे खुशी से खाओ चाहे रो कर खाओ। वही एक और यूजर ने इसी तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, देश की अर्थव्यवस्था का हलवा बनाने के बाद मंत्रालय में हलवा बनाया जा रहा है। एक और यूजर ने इस पर तंज भरे लहजे में लिखा, कैसी ये हलवा बना रही है जनता का। इसके साथ एक ग्राफिक भी शेयर किया गया है, जिसमें दावा किया गया कि ये डेटा ग्लोबल MPI रिपोर्ट और UNDP वर्ल्ड बैंक का है। इसमें भारत से जुड़े गरीबी के आंकड़ों को दिखाया गया। आजकल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी BBC की PM मोदी पर डॉक्यूमेंट्री और अरबपति अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चर्चाओं में है। दोनों ही मामले को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी को आधार बनाते हुए एक और यूजर ने ट्वीट किया, अडानी के फ्रॉड से निर्मला ताई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्मला सीतारमण की फोटो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने बड़ा काम का सवाल भी किया और ट्वीट करते हुए पूछा, माननीय वित्त मंत्री जी, आप तो हलवे की महक से मंत्र मुग्ध प्रतीत हो रही हैं। क्या डायरेक्ट टैक्स की छूट सीमा 5 लाख कर हमें भी हलवे की मिठास से अवगत कराएंगी। वही एक और यूजर ने लिखा, तुम लोग इसे मीठा हलवा समझ कर खाने की सोच रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि इसमें मैंने मिर्च डाली है। बजट से हमेशा उम्मीदें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को होती है, क्योंकि गरीबों के लिए कई तरह की स्कीम निकालती है सरकारें, लेकिन मिडिल क्लास के लिए सरकार के पिटारे में क्या है, इसके लिए अलग उत्साह देखा जाता है। इसी पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, मिडिल क्लास वाले अपना देख ले, मैंने गरीबों और अमीरों के लिए बजट बनाया है। बहरहाल इस तरह के ढेर सारे कमेंट्स ट्विटर पर देखने को मिल रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट प्रस्तुत करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद साल 2024 में भी मोदी सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन वो अंतरिम बजट होगा, इसलिए इस बजट से आम लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।